नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डेली न्यूज में। अजान विवाद पर सोनू निगम की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सोनू के विरोध में आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान दे रहा है। पहले सोनू निगम का सर मुंडवाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी और अब एक नया मामला सामने आया है। अब उनकी आवाज़ बंद करने के लिए नेशनल फ्यूचर पार्टी के अध्यक्ष ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने सोनू निगम का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। नेशनल फ्यूचर पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समाज के अध्यक्ष रिजवान मलिक ने अजान को गुंडागर्दी बोलने वाले सोनू की गर्दन कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। रिजवान ने अपना नंबर भी दिया है और उनका सर कलम करने वाले को इनाम देने की बात कही है। सोनू ने 17 अप्रैल को एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। इस बवाल के बाद कई लोग सोनू के विरोध किया, वहीं कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं।